2019 के लोकसभा चुनाव में सियाही एक विचार। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है, करेंगे ना मतदान? किसे फर्क पड़ता है, वही पुराने कहानी। मैंने पहले भी कोशिश की मगर बाधाओं के कारण वोट ना डाल सका। मैं तो विकलांग हूँ, ये सारी बातें मेरे लिए नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने में आपकी विकलांगता आड़े नहीं आ सकती। आने वाले चुनाव के दौरान अपनी विकलांगता को मतदान करने में बाधा न बनने दें। लोकतंत्र को एक उचित अवसर दें। 18 से अधिक आयु वाले नागरिकों को मतदान का समान अधिकार है। विकलांग लोगों को भी। हाँ, मतदान करना हमारा अधिकार एवं हमारी जिम्मेदारी है, विकलांग लोगों की भी। क्या आप 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के होंगे? साबित कीजिए। बताऊं कैसे? फॉर्म 6 भरकर मतदान सूची में अपना पंजीकरण करें। ये पंजीकरण आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। eci.nic.in इस वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड करें एवं उसे भरकर प्रत्यक्ष जमा करें। ceo.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट से अपनी नजदीकी वोटर्स हेल्प सेंटर का पता लगाकर वहां जाकर फॉर्म 6 भरकर वहीं जमा करें। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और उनके घोषणा पत्रों का भी अध्ययन करें। जिन मुद्दों से आपको लगाव है उन्हें ध्यान में रखें और अपना वोट अवश्य डालें। ध्यान दें, सभी मतदान केंद्रों पर विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके सहायक और परिवार के सदस्य पहुंचे और उन्हें सुविधा मिले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ मतदान केंद्रों को सुलभ बनाया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों को भी आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जागरूक बनाया जा रहा है। 2001 से विकलांग लोगों को जनगणना में शामिल किया गया। 2014 से चुनावी कर्मचारियों को विकलांगता के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया। आपकी विकलांगता अदृश्य हो सकती है, आप नहीं। आने वाले चुनाव में अपनी विकलांगता को मतदान करने में रुकावट न बनाएं। लोकतंत्र को एक उचित अवसर दें। तो चलिए मतदान केंद्र पर मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 टोल फ्री पर संपर्क करें या www.ceo.maharashtra.gov.in पर लॉगिन करें। www.ceo.maharashtra.gov.in। फिल्म www.trinayani.org द्वारा निर्मित, www.hacse.org.in के सहयोग से।